गंगाराज पार्क सुकमा में करोड़ों खर्च के बाद भी पार्क में ना तो पानी है ना शौचालय की व्यवस्था। आने जाने वाले लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। प्रशासन मुख दर्शक। ये देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है हमारा सुकमा मेरा शहर मेरा अभिमान सजन ये सुकमा। आइए हम अंदर इसकी स्थिति देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। नगर पंचायत सरोवर धरोहर योजना के अंतर्गत रंगाराज सागर तालाब गहरीकरण और सौंदर्यीकरण लोकार्पण 15 अगस्त 2008 को मुख्य अतिथि ब्रिजमोहन अग्रवाल, विशेष अतिथि राजाराम तोड़े और नगर पंचायत अध्यक्ष अर्पणा देव द्वारा किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष अर्पणा देव के कार्यकाल में दो कार्य ऐसे हुए जिसकी सराहना आज भी लोगों के द्वारा किया जाता है। आइए आज हम पहुँचे हैं सुकमा रंगाराज पार्क जो सुकमा जिले के मध्य में स्थित है। उनकी व्यवस्थाओं को कई बार अधिकारियों को भी बताया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए हम आपको दिखाते हैं रंगाराज पार्क का निर्माण। और यह दोनों निर्माण सुकमा शहर के मध्य स्थल में स्थित है। सरकार बदलती तो है लेकिन पिछली सरकार के किए गए कार्यों पर ध्यान नहीं देती है। इसका जीता जागता उदाहरण रंगाराज पार्क। अब शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता जबकि इस पार्क में उड़ीसा आंध्र प्रदेश के लोग भी पिकनिक मनाते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ दिन पहले लाखों रुपए का सामान पार्क में व्यायाम के लिए लगाया गया लेकिन देखरेख के अभाव में नष्ट हो रहा है। मैंने इस पार्क की व्यवस्था के बारे में लोगों से जानकारी ली तो लोगों ने दो चीज़ों पर विशेष ध्यान देने हेतु कहा। एक तो पीने की पानी, दूसरा यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए बाथरूम बना हुआ है, आप थोड़ा सा इसको पास से दिखाइए। क्या इस बाथरूम का उपयोग लेडीज़ या जेंट्स कोई कर सकता है? अगर मान लीजिए लेडीज शुगर पेशेंट है तो वो बाथरूम के लिए कहाँ जाएगी? ये व्यवस्था की सूचना हमने नगर पंचायत को कई बार दिया है लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बना हुआ है और ये दरवाज़ा है, इसको मेरे ख्याल से बाहर से एक आदमी पकड़ेगा तभी एक आदमी अंदर है। ये झाड़ी पेड़ चारों साइड कचड़े से भरा हुआ है और ये कुर्सी भी दूसरे जगह का है लेकिन किसी ने लाकर यहाँ छाए में रख दिया। बल्कि उन्हें जानकारी देना और इन व्यवस्थाओं को सुधार करवाना है। यह सुकमा शहर की धरोहर है, इसे साफ सुथरा रखना व्यवस्था में सुधार के लिए हमें हर वक्त तैयार करना चाहिए क्योंकि इस पार्क में दूसरे प्रदेश के लोग छोटी सी अव्यवस्था के लिए बुराई कर रहे हैं। यह हम सभी के लिए शर्म की बात है। सुकमा से हमारे संवाददाता धनंजय कुमार सिंह, सवितर्क न्यूज, सच की आवाज़।